नमस्ते, ढेर सारा स्वागत। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे की। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में, पांच राज्यों में जहां चुनाव थे, वहां किसकी सरकार बनवा रहे हैं। फिलहाल बात करेंगे उत्तराखंड की। पलक मेरी सहयोगी उत्तराखंड पर थोड़ा फोकस करेंगी। हमारी वेबसाइट navbharattimes.com जहां लगातार आंकड़े अपडेट हो रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल, इंडिया टुडे का सर्वे क्या कहता है। इंडिया टुडे का सर्वे कहता है कि उत्तराखंड की 70 सीटों में से 41 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, 25 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को। आपका खाता भी नहीं खुल रहा है, ऐसा जता रहा है इंडिया टुडे। अदर्स के खाते में 4 सीटें आ सकती हैं। इंडिया टुडे के बाद बात करते हैं टाइम्स नाउ का सर्वे क्या कह रहा है। टाइम्स नाउ का सर्वे, 70 सीटें जो उत्तराखंड की हैं उनमें से 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखा रहा है, 31 पे कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी, 1 अदर्स के खाते में। यानी यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का इशारा हो रहा है। ये हैं तमाम एग्जिट पोल। इसके अलावा बात करें टुडेस चाणक्य, इनका एग्जिट पोल क्या जता रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज़्यादा सीटें दिखाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 43 सीटें, कांग्रेस को 24, आम आदमी पार्टी के लिए 0, अदर्स के लिए 3 सीटों का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा एक सर्वे सी वोटर का भी है जिसमें कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है उत्तराखंड में, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 26 से 32 सीटें आने का अनुमान है। यानी यहाँ एक बात और स्पष्ट है और ध्यान देने लायक है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, वहाँ विधानसभा सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है उत्तर प्रदेश की तरह। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं जबकि उत्तराखंड में सिर्फ 70 विधानसभा सीटें हैं। अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि साहब उत्तराखंड में भाजपा को बहुमत मिलेगा, पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत। लेकिन तमाम एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़ा दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। निसंदेह एग्जिट पोल में भाजपा को एज उत्तराखंड में मिला बताया जा रहा है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि छोटे राज्यों में अक्सर ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है। बड़े राज्य में अक्सर देखा जाता है कि बहुमत मिल जाता है स्पष्ट, लेकिन छोटे राज्य जैसे कि उत्तराखंड है या छत्तीसगढ़ है, यहाँ अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फ्लक्चुएट होते हैं नंबर्स। ये सारे अनुमान हैं, कयास हैं। एग्जिट पोल के बाद जो नंबर सामने आ रहे हैं वो हैं, असली तस्वीर क्या रहेगी वो पता चलेगा 10 मार्च को जब पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। आज एग्जिट पोल वाले दिन और 10 तारीख को नतीजों के दिन हर अपडेट, छोटी बड़ी एनालिसिस आप तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया। देश का सबसे बड़ा सूबा सुना रहा है अपना फैसला। आ रहे हैं यूपी और 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। इन नतीजों से जुड़ी हर बात, सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचेगा। 10 मार्च को दिन भर जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।